Hello guys and welcome to Niptex. So Nifty and Bank Nifty view for 27 July 2021. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं 27 जुलाई को, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एक हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है और हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन ब्रेकडाउन दे दिया है। तो निफ्टी डेफिनेटली कल गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन यहाँ पे समवेयर ओपन हुआ, ठीक है। आई एम ओके, आई एम हैप्पी, यहाँ पे ओपन हुआ ये रीजन में। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला नहीं है, ठीक है। 35,775, ठीक है। ये रीजन एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। ये रीजन उतना आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया 775 में, उसका बाद दो पॉसिबिलिटी बनता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है हम लोग देख लेते, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रहा है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, इसको हम लोग एक काम करते हैं, देखो तो क्या बन रहा है पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है आपका, यहां से ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसका बाद फिर से यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। और एक पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ये लेवल को अगर ब्रेक किया, ये लेवल को अगर ब्रेक किया, ये जो लेवल है आपका दैट इज आज का क्लोजिंग 825, तब मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगा और सीधा की सीधा उसको 930 तक लेके जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है, जैसा मार्केट बिहेव करेगा हम लोग वैसे ही मोल्ड होएंगे, हमको जो दिखेगा हम वही करेंगे, ठीक है। मार्केट जो करना है मार्केट करेगा, हम अपन को जो करना है अपन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अगर समहर ये रीजन में, रीजन वन में अगर ओपन हुआ, कहाँ गया, रीजन वन में अगर ओपन हुआ, अगर अगर गैप अप हो गया रीजन टू यहाँ पे ओपन हो गया समहर, तो हाँ गैप अप, थोड़ा सा गैप अप होकर ओपन हुआ, तो क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एक शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ तो यही लोकेशन में ये घूमते फिरते रहेगा, ठीक है, 800 में, बिकॉज 800 में एक मैसिव सपोर्ट है, वहाँ पे ही घूमेगा, ठीक है, 800 से 900 के बीच में, ठीक है। और वहां से गिर के भी नीचे आ सकता है, अच्छा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है हम लोग वो भी देख लेते हैं। अगर ये रीजन में समहर ओपन हुआ, ठीक है, तब आप समझ लो कि पुट के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के लिए एक बार ऊपर आएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो जो कि मेरा पॉसिबिलिटी लग रहा है, मेरा क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है समहर ये लोकेशन में वन रीजन में ओपन होगा, टू एंड थ्री इट विल नॉट ओपन, आई थिंक सो इन बिटवीन 775 एंड 825 यहाँ पे ओपन होके उसका बाद थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ये मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग। कल जो मार्केट जैसे बिहेव करेगा वैसे हम लोग मोल्ड करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में चले जाते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सीन, बैंक निफ्टी सिमिलर थिंग दिखा रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना चुका है और उसका ब्रेकडाउन भी देने का एकदम एंड में है, वी कैन से ऑलमोस्ट दे भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये लेवल में है, व्हाट इज दिस लेवल, अच्छा लेवल का लेके स्नैप लेते हैं अपन तो अच्छा से समझ में आएगा तुम्हारा। 34,800, ठीक है, 34,800 ये लेवल में अगर ओपन हुआ, ये जो वन लेवल मैं बोल रहा था ये 34,800 है, ठीक है। इसका नीचे ओपन हुआ तो प्राइस एक्शन बनाएगा, नीचे जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई, लेकिन दिस इज द 34,800 और 35,000 के बीच में ओपन हुआ तो ये प्राइस एक्शन बन सकता है, ये लेके सपोर्ट लेके इसका बाद ये ऊपर जाएगा, दैट इज माई, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। गैप डाउन होगा, थोड़ा सपोर्ट लेगा 34,800 एंड देन इट विल मूव अप, दैट इज माय थॉट प्रोसेस, ओके ओके। तो ये हो सकता है, ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आएगा तो अच्छा डेली बन सकता है।
मे बी नॉट टूमोरो रैली आएगा, कल थोड़ा साइडवेज भी रह सकता है। वेडनेसडे का दिन जो लोग शॉर्ट बनाए, शॉर्ट लोग थोड़ा शॉर्ट लोग थोड़ा सा ट्रैप्ड होएंगे, और ट्रैप्ड होएंगे तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के बाद रैली आ सकते हैं वेडनेसडे को। सो माइट बी ट्रू एंड बट यू शुड बी ऑलवेज कॉशस बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, जो मार्केट बिहेव करेगा अकॉर्डिंगली वी विल मोल्ड। ओके, मेरा जो एनालिसिस है मैं आप लोग को एक ही ये करूंगा कि आप लोग सीखने में फोकस करो। दिस ऑल वी आई एम शोइंग यू प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन और एनालिसिस में बहुत फर्क होता है। ठीक है, प्रेडिक्शन जब हम करते हैं कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होके ऐसा हो सकता है, हो सकता है, और जब एनालाइज करते हो आप तब होता है कि यही होगा, ये होगा, ये होगा, और हो सकते में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो एनालिसिस हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं। जैसे ओपन होगा, कल गैप अप भी ओपन हो सकते हैं। गैप अप अगर ओपन हुआ तो मैं क्या करूंगा, गैप अप में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये रीजियन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला है। जब तक ये रीजियन में घूमेगा मैं नो ट्रेड जोन है। इसका ऊपर एक बार जाके क्लोज दे दिया एक 15 मिनट का कैंडल, तो उसका बाद वो प्राइस एक्शन बनाने दो, यहाँ पे सपोर्ट लेने आने दो, उस टाइम पे मैं लूंगा और वहां से मुझे एक अच्छा मूव ये 35,300 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, तो ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप जब तक ना खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से मेहनत करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इट्स अप टू यू, आप मेहनत करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा सीखना है तो निफ्टेक्स का व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक दिया हुआ है, निफ्टेक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं आप लोग को, ये जो लर्निंग बड़े बड़े लोग आप लोग से पैसा लेकर सिखाता है, ठीक है, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, आप फ्री में सीखो। ठीक है, सारे ट्रेडिंग को आपको दिखाया जाएगा, मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, कितना मेरा पोजीशन है, सब कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेटेड रहता है। आज भी दिखा देता हूँ, आज मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं किया, मैंने 15,000 रुपया से आज ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो 15,000 रुपया में मेरा अराउंड आ गया 15% का प्रॉफिट रहा इन द डे, सो इट्स नॉट बैड। इन 15,000 अगर आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो, नॉट बैड, तो 2,140, सो थोड़ा टैक्स पैड कट के 19,000 का आसपास, 1,900 का आसपास आ जाएगा। तो मैं थोड़ा छोटा अमाउंट में ही कर रहा था आज ट्रेड, हाँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्विंग ट्रेड में ही पसंद करता हूँ, तो स्विंग ट्रेड में मेरा काफ़ी अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अभी, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा ट्रेड, मतलब इंटरडे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो इंटरडे बहुत कम 15,000 अमाउंट में किया था, तो उसमें मेरा काफ़ी प्रॉफिट हो गया। आपको ये भी दिखा सकता हूँ, सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड था मेरा, तीनों का तीनों ट्रेड लिया था, तीनों का तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड था। दैट इज इम्पोर्टेंट, आप जब ट्रेड ले रहे हो ट्रेड शुड बी प्रॉफिटेबल, नो ट्रेड शुड बी लॉस मेकिंग ट्रेड। ओके, योर ट्रेड शुड बी प्रॉफिटेबल, योर पैसा जो आ रहा है आपको प्रॉफिट लेके जाना है बाजार से, ऐसा नहीं कि पैसा बाजार को देके जाना है अपन को, राइट ना? तो ये चीज है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड लो, और अगर सीखना है प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लिया जाता है, छोटा छोटा ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल ट्रेड लो। ठीक है, तब जाके वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एक छोट एक दिन पर डे आप प्रॉफिटेबल डे एंड करते हो, तो मंथ वीक आपका प्रॉफिटेबल होगा, मंथ आपका प्रॉफिटेबल होगा, पर डे 5% का अगर टारगेट रखते हो ना आप लोग, हाँ यार 10,000 रुपया आपका करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, एक साल का अंदर, लेकिन लोग ये चीज समझते नहीं है। ठीक है, लोग ये चीज समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई 5% में क्या ही होगा, हाँ, लेकिन 10,000 रुपया आपको एक साल में कुछ करोड़ों बना सकता है, अगर आप पर डे 5% रेट में कैपिटल को ग्रो करने का सोचते हो। ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं मुझे, 5% बहुत होता है भाई, 5% बहुत ज्यादा होता है, और कैपिटल को ग्रो करो ना, कैपिटल थोड़ी आपका एक ही जगह में रहेगा। आपको सिंपल कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ, चलो एक्सेल में। तो अरे ओपन हो जा भाई, ठीक है, कुछ तो इशू है इसके, ओपन नहीं हो रहा। हाँ अरे बहुत सारे एक साथ ओपन हो गया, मैंने बहुत सारा ओपन कर लिया, सॉरी, बट हाँ दिखाई देता हूँ आपको। चलो, तो आप अगर 10,000 रुपया से ट्रेड करते हो, अगर 10,000 रुपया से ट्रेड करते हो और पर डे आप 1.05 रेट में, 1.05 होल टू द पावर
एक मैंने 3 महीने का हिसाब लगा रहा हूँ, ठीक है? 3 महीने में आपको कितना दिन मिलता है? 60 डेज मिनिमम मैं पकड़ रहा हूँ। कितना होता है ये आपका? 1,86,000। ओके, 3 महीना बाद 10,000 रुपया बन जाएगा पर डे, 5%, ठीक है? 6 महीना का हिसाब लगाता हूँ मैं, 120 डेज, ठीक है? कितना बनता है? 34,89,000, ठीक है? अब 1 साल का हिसाब लगाता हूँ, ठीक है? कितना बनता है? 12,17,39,000, ओ 121 करोड़ बनता है आपका, 121 करोड़, सॉरी आई वॉज रॉन्ग। यहाँ पे थाउजेंड हो रहा है आपका, यहाँ पे लाख हो रहा है, यहाँ पे करोड़, 121 करोड़ बनता है इन ए ईयर। ओके, डेली 5% का टारगेट रखो, 5%, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं है अपन को। अब बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे, डेली 5% रेट से इनकम करना है। मुझे चाहिए ही नहीं डेली 10%, 15%, 20%, मुझे 5% चाहिए, आई विल बी हैप्पी, ठीक है? और 1 साल का टारगेट रखो, आराम से करोड़पति बनोगे, ठीक है? तो ये होता है ट्रेडिंग का स्टाइल। और जो लोग एकदम अंधा अधुन ट्रेडिंग करता है, पर डे 50,000, 60,000 गवाता है, वो वाले को उससे ट्रेडिंग ना हो पाएगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सिस्टम। ओके, आपको माइंड का इमोशन जहाँ पे है वहाँ पे ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकता। पर डे प्रॉफिटेबल ट्रेड करो, लॉस मेकिंग ट्रेड मत करो, ठीक है? जहाँ पे 100% प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने आज कितना ऑर्डर प्लेस किया? टोटल 5 ट्रेड तो लिया हूँ मैंने, 5 ट्रेड लिया था, 11 ऑर्डर्स प्लेस किया, टोटल 13, सॉरी 13। ओके, तो छः 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 ट्रेड लिया था मैंने पर डे डे में, आज दिन में 6 ट्रेड लिया था 15,000 रुपयाज में। दिखाई देता हूँ आपको मार्जिन अवेलेबल 16,000। ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ आपको, देखो 75, 50, 50, 75, 50, 75 क्वांटिटी में मैंने किया था, ठीक है? सारे इंटरडे में, ठीक है? तो जो भी लो, प्रॉफिटेबल ट्रेड लो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। लॉस मेकिंग ट्रेड मत लिया करो, ठीक है? तभी जाके फायदा होगा। सो अगर आपको सीखना है तो निफ्टेक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एंड वहाँ पे हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाओ, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में फ्री में सिखा रहे हैं हम लोग, कि कोई और चैनल फ्री में नहीं सिखाता। तो आओ सीखो और अपने आप खुद से ट्रेड में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।